हेलो क्लास टेंथ बेटा, आज है 25 अगस्त 2021 और आज हम अपनी साइंस की विज्ञान सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 जो है वो करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 हमारा चला हुआ है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हम यहाँ से जो है ये पैराग्राफ जो है इसको पहले जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आवर टॉपिक इज जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक। जलीय विलयन क्या होता है? जल मीन्स पानी, और पानी के अंदर किसी भी चीज़ को अगर हम घोल देते हैं, घोल कर जो विलयन, जो लिक्विड तैयार होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? जलीय विलयन। पानी में कोई भी चीज़ घोल कर जो हमारे पास हमें मिलता है लिक्विड, उसे हम जलीय विलयन बोलते हैं। अब है जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, मतलब अगर हम पानी में अम्ल को घोल देते हैं तो हमें उसका विलयन मिल जाएगा, और अगर क्षारक घोल देते हैं तो वो क्षारक का जलीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अम्ल के बारे में हम रीडिंग करते हैं यहाँ से। सभी अम्ल जल में अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन जो है वो उत्पन्न करते हैं। H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और ये सिंपल हो गया H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो कोई भी अम्ल होगा जब भी हम उसे पानी के अंदर घोलेंगे तो उसमें दो तरह के जो आयन्स हैं वो बनेंगे। पहला हमारा हाइड्रोनियम आयन, और क्या बनेगा उसमें? हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन बनेगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है HCl का। इस केमिकल रिएक्शन को हम ध्यान से जो है देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCl का एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखिए, प्लस वाटर H2O, H2O होता है पानी का केमिकल जो है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HCl एसिड को ऐड कर दिया पानी के अंदर, तो हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन का जो है नेगेटिव आयन, जो है ऋणात्मक आवेश वाला आयन जो है बनता है। देखिए, माइनस साइन का मतलब होता है ऋणात्मक आवेश, और प्लस साइन का मतलब होता है धनात्मक आवेश। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है हम आयन के ऊपर ये जो है हम बोल देते हैं कि ये आवेश हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो है दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा। कौन से दो रिएक्टेंट है? एसिड और वाटर, और यहाँ पे हमें मिला क्या? हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन, ये दो हमारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, जब HCl एसिड को हम पानी में डालते हैं तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाता है। इतना वीक पड़ जाता है कि इनका आपस में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये आयन में सेपरेट हो जाते हैं। जो आयन हमें मिलेंगे वो हमें मिलेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस उसमें वाटर तो है ही। अब होता क्या है, एक बार हम रीडिंग करते हैं। जल में उपस्थिति, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H आयन पृथक नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं HCl एसिड को ऐसे ही बॉटल में रख देती हूँ, उसमें पानी नहीं है, तो ये आयन्स जो हैं अलग अलग नहीं होंगे। किस लिए? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग से नहीं, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। लेकिन जब इन्हें जल में हम मिला देते हैं तो क्या होगा, वो जो है अलग हो जाएंगे आयन्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये H पॉजिटिव आयन है ये जो है दोबारा से ये स्वतंत्र तो नहीं रह सकता है। स्वतंत्र का मतलब एज इट इज़ ये H पॉजिटिव आयन जो है नहीं रहता, इसको कहीं ना कहीं किसी के साथ रिएक्ट होना होता है और रिएक्ट होके जो है उसके साथ अटैच होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे HCl के साथ हमने ऐड किया है, वाटर भी है, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन आयन, ये वाटर के साथ जो है बॉन्ड फॉर्म करेगा, और बॉन्ड फॉर्म करके जो है ये क्या बनाएगा, यहाँ से इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये पानी के साथ जो है बॉन्ड बना के यहाँ पे हमें क्या दे देगा, H2O के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन ये बन जाएगा।
हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। H2O तो था ही, उसके साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो H के जो हैं वो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, और O जो है वो सिंगल ही है। पॉजिटिव चार्ज था हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोनियम आयन पे भी क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एसिड जब हम पानी के साथ उसके हम जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास पहले क्या होगा, एसिड ब्रेक डाउन होगा और वो देगा हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन फिर पानी के साथ जो है बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये सभी एसिड के साथ होता है। यहाँ पर आप HCl के अलावा इसको किसी और एसिड में भी देख सकते हैं, जैसे कि H2SO4, ये भी एक एसिड है। ये जब सेपरेट आउट होता है तो ये हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। फिर ये वाटर में रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ जो है क्या करेगा, ये वाटर के साथ क्रिया कर जाएगा। वाटर के साथ क्रिया करके ये हमारे पास क्या दे देगा, 2 हाइड्रोनियम आयन जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो सभी एसिड जो हैं इसी प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अम्ल की, कि अम्ल जो है पानी के जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे। अब बात करते हैं हम क्षारक की। जो क्षारक होते हैं वो पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जो भी क्षारक पानी में, सभी क्षारक जो हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो क्षारक पानी में घुलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षार। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। क्षारक तो सारे हो गए जो H पॉजिटिव आयन से, और जो क्षारक जो हैं पानी में घुलते हैं, सॉरी क्षारक जो हैं जो पानी में घुल के H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्षार बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल हमें दिया हुआ है, इन केमिकल रिएक्शंस को हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्षारक हमने लिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में, KOH। तो यहाँ पर जब इसे हम पानी के अंदर जो है क्षारक को डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा क्षारक है, इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या होगा, जो हमारा के पोटेशियम है और जो हाइड्रोनियम आयन है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें से के पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ जो दिए हुए सिंबल हैं उनको भी हम एक बार दोबारा अच्छे से देख लेते हैं, सिंबल हमारे कौन से दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है S ब्रैकेट में, S का मतलब क्या है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, स्मॉल S लिखेंगे हम, कैपिटल नहीं, स्मॉल S यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद K पॉजिटिव के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस, AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब ये आयन जो है ये पानी के अंदर जो है प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ जो पानी में घोलने के बाद मिलती है उसे हम एक्वस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से OH नेगेटिव, इसके आयन भी कहाँ पर हैं, पानी के अंदर है ना, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है, एक्वस, AQ, AQ इज़ फॉर एक्वस। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, जो सेकंड जो क्षार दिया हुआ है वो कौन सा है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MG इज़ फॉर मैग्नीशियम, और ये अटैच होता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो पानी में जैसे ही आप डालोगे इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर ये क्या देगा, ये देगा Mg पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स के साथ कनेक्टेड है, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन्स जो हैं वो बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन्स जो हैं इसमें जो है रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्षार होते हैं, जो क्षारक होते हैं पानी में घुलने के बाद, हम उनको क्षार बोलते हैं अगर वो अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, और वो घुलने के बाद जो है कौन सा आयन देते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जो है
प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है वो क्या है, अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पे क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ से जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जब हम जल मिलाते हैं अम्ल और क्षारक में तो क्या प्रभाव होता है। तो चलिए हम रीडिंग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का मतलब हीट, गर्मी। ठीक है, तो ये जब भी आप अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे पानी में तो उसके अंदर से बहुत हीट एनर्जी जो है निकलेगी। ठीक है, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी जो है हमें रखनी चाहिए। जल में सांद्र नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3। ठीक है, और दूसरा नाम यहाँ लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो होता है H2SO4। बेटा ये दोनों ही एसिड जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए सांद्र यहाँ पर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट जो है यूज़ हुआ है। सांद्र का मतलब क्या होता है कि अगर ये एसिड बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, इनके अंदर कोई कुछ और मतलब पानी जो है नहीं मिलाया गया, बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो एसिड होते हैं उसको हम बोलते हैं सांद्र। ठीक है, तो सांद्र या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो जो सांद्र नाइट्रिक एसिड अगर हम बोलते हैं या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसीलिए जब भी इन्हें पानी में मिलाया जाए अत्यंत सावधानी जो है हमें इसमें जो है रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती हैं ये बहुत ही विग्रेसली जो है रिएक्ट कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा के साथ जो है रिएक्ट कर सकता है। उस ऊष्मा का कुछ भी प्रभाव हो सकता है जो हम आगे इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ से, अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल में लगातार घोलते हुए जल में मिलाना चाहिए। मान लीजिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमने 5 ml ऑफ वाटर जो है फिल कर लिया, मतलब अराउंड हाफ टेस्ट ट्यूब जो है हमने पानी से इसको फिल कर लिया। अब हम इसमें ड्रॉपर की हेल्प से जो है इसके अंदर एसिड जो है डालेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है एसिड एकदम से इसके अंदर डाल दें, नहीं, कभी भी आप एकदम से नहीं डालेंगे। हम ड्रॉपर लेंगे, जैसे आई ड्रॉप्स डालते हैं ना आँखों में, ड्रॉपर लेंगे और हम बूंद बूंद करके ड्रॉप ड्रॉप करके जो है एसिड इसमें डालेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक ड्रॉप डाला, दो ड्रॉप डाला, फिर इसको हल्का सा हिलाओ, जैसे एक ड्रॉप डाल के हिलाओ उसको थोड़ा, फिर दूसरी ड्रॉप डालो, फिर उसको हम थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे कि वो उसमें अच्छे तरीके से घुल जाए। घुलने के बाद हम देखेंगे कुछ ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं हुआ, फिर इस तरीके से करके हम उसमें 4-5 बूंद जो है एसिड जो है पानी में इस तरीके से मिलाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ड्रॉप वाइज मिलाएंगे और बीच बीच में उसको हम पानी को जो है हिलाते रहेंगे ताकि वो उसमें अच्छे से घुल जाए। ठीक है, आगे देखिए, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम पानी के अंदर, मान लीजिए कि मैंने 5 ml पानी लिया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास जो है 1 ml जो है सिर्फ एसिड है, अब मुझे 1 ml एसिड मिलाना है किसमें, 5 ml वाटर में, ये 1 ml एसिड हो गया। ठीक है, लेकिन एक तरीका तो ये है मैं टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर एज इट इज़ जो है डाल देती हूँ एक साथ, लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत ये होगी कि अगर आपने सारा एसिड एकदम से डाल दिया ना तो ये इसके साथ क्रिया करके ऐसा हो सकता है कि कोई गैस बन जाए और ये बुलबुलों की तरह एकदम जो है टेस्ट ट्यूब से बाहर आके बाहर की तरफ गिरने लगे। जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक देखा हो, कोल्ड ड्रिंक में ऐसे ही होता है ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से खूब शेक करके और फिर ढक्कन ओपन करते हो तो बुलबुलों के साथ बाहर आ जाता है लिक्विड, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि जो लिक्विड है वो जो एसिड है वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाए या जो क्षार है हमारा वो इतना रिएक्ट कर जाए कि वो बाहर टेस्ट ट्यूब से निकलने लगे और इसकी बाहर की तरफ दीवारों पर टेस्ट ट्यूब पे लग जाए। अगर आपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो वो सीधा आपके हाथ पे आएगा और आपके हाथ पर जो है उसको जला भी सकता है, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप एसिड का यूज़ कर रहे हैं, क्षार का कर रहे हैं, तो आपको कभी भी टेस्ट ट्यूब जो है हाथ से नहीं पकड़नी होती है। लेबोरेटरी में हम हमेशा
होल्डर का उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होल्डर क्या करता है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने का काम करता है ताकि अगर बाहर भी आता है तो वो हमारे हाथ पर टच ना हो। ठीक है, आगे हम रीडिंग करते हैं यहाँ से। तथा आप जल जल सकते हैं, ये वही है कि अगर बाहर आ गया, गर्मी उसमें इतनी उत्पन्न हो गई कि वो बाहर आ गया तो आपका हाथ भी जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ये भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऊष्मा निकले, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी निकले कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं वही फट जाए, कांच है ना, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि वो फट जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, मतलब जो डब्बा जिसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड शार जो है रखते हैं, उन पर चेतावनी के चिन्ह जो है वो हमेशा लगे हुए होते हैं, और उन्हें ध्यान से देखिए। कोई भी एसिड का कंटेनर है या शार का कंटेनर है, उस पर जो है ये वाला जो है साइन बना हुआ होता है। ये साइन क्या बना हुआ होता है कि इसमें क्या दिखाया गया है कि अगर टेस्ट ट्यूब में से एसिड हमारे हाथ पर अगर गिर गया तो हमारा हाथ जो ये फिंगर है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसीलिए कभी भी हाथ से टेस्ट ट्यूब को मत होल्ड कीजिए जिसमें आप एसिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, अब हम एक बात यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि पानी में क्षार या अम्ल मिलाने का एक तरीका, एक और जो बहुत सावधानी बरतने की बात है, वो क्या है कि हमेशा आप पानी के अंदर अम्ल को मिलाएंगे। मतलब अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें आपने लिया है वाटर, ठीक है, इसमें आपने पानी लिया है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा एसिड लिया है, ठीक है, मान लीजिए इसमें हमारा है एसिड अम्ल, तो आप इस एसिड को पानी के अंदर डालेंगे, वो भी ड्रॉप वाइज डालेंगे, एक एक बूंद करके डालेंगे और बीच बीच में टेस्ट ट्यूब को हिलाकर डालेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से डालते हैं तो ये ठीक होगा। लेकिन अगर आपने अपोजिट कर दिया, मतलब आपने क्या किया, आपने जो है पानी को एसिड में डाल दिया, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होगा, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, बहुत विग्रेसली होगी, मतलब एकदम से बहुत ऊष्मा निकलेगी, टेस्ट ब्रेक हो सकती है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पानी में एसिड डालना है, ठीक है, हमें एसिड में पानी नहीं डालना। तो पानी में अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो ठीक है, और अगर अम्ल में पानी डालते हैं तो वो गलत है, राइट। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सार्वत्रिक सूचक। ये क्या होता है, हमने विलयन में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। अच्छा, इसमें तनुकरण जो है हमने मिस कर दिया, एक बार उसको हम देख लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ से ये टॉपिक जो है रह गया, इसको देख लेते हैं। जल में अम्ल और क्षारक के मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, देखो एक तो कोई चीज़ तुम प्योर फॉर्म में यूज़ करो, एक उसमें पानी मिलाओ, तो फिर होगा क्या कि जो प्रति इकाई आयतन है पानी का, मान लो सपोज़ करो आपने वन ml ऑफ वाटर लिया, तो 1 ml के अंदर आपने जब एसिड डाला तो उसमें 1 ml तो पानी हो गया ना, तो उसके जो आयन होते हैं, जैसे एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन है, तो वो कम हो जाएंगे, तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, वो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो पानी में अम्ल को मिलाने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं, तनुकरण क्रिया। और अम्ल और क्षारक को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे हो गए हैं, वो हो गए हैं अनुकृत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो कि इस प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण प्रक्रिया, और जो अम्ल और क्षारक हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अनुकृत, राइट।
चलिए अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ से हम रीडिंग कर रहे थे वो हम देखते हैं। हमने विलयन में एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में सांद्रता की कमी और तनुकरण के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। क्या ये मात्रात्मक रूप से विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए अगर हम आपको 5 जो हैं कंटेनर बीकर या टेस्ट ट्यूब भी मान लीजिए हम 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और हमने उनमें अलग अलग मात्रा के अंदर जो है एसिड और या क्षार का जो है जलीय विलयन ले लिया है, ठीक है। तो क्या ये हम पता कर सकते हैं कि कौन से वाले विलयन में कितनी मात्रा में आयन मौजूद हैं, ठीक है। सपोज़ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मेरे पास जो है 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ये मेरी हो गई टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसमें हमने बराबर मात्रा में पानी जो है फिल कर लिया। मान लीजिए मैंने लिया है इसमें 5 ml ऑफ वाटर, तीनों में बराबर लिया हमने पानी, ठीक है। अब तीनों में बराबर पानी तो आपने ले लिया, इसमें लेकिन हमने एसिड जो डाला ना वो अलग अलग डाला है। मान लीजिए पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने डाली हैं 5 ड्रॉप्स, दूसरी में 7 ड्रॉप्स और जो थर्ड वन है उसमें हमने डाल दी 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिड, ठीक है। ये तो मैंने डाली है, मुझे पता है। अब मान लीजिए मैं किसी और जो है आप में से किसी स्टूडेंट को बुलाती हूँ, मैंने आपके सामने नहीं डाली है वैसे मैंने डाल दिया है, तो ये तीनों ही क्या हो गए, ये अम्ल के जलीय विलयन हो गए। अब मैं आप में से किसी को बुलाती हूँ और मैं क्या आप उसको सिर्फ देख के बता सकते हैं कि किसमें कम एसिड है या किसमें ज़्यादा है? नहीं बता सकते ना हम। तो फिर क्या तरीका हो, अगर तीनों में से मुझे इसको मान लीजिए एक सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा जो है ज़्यादा तनुकृत है और कौन सा कम है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें 5 ड्रॉप डाली हैं तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोनियम आयन कैसे होंगे, सबसे कम या सबसे ज़्यादा? हमने अगर कम ड्रॉप ऐड करी हैं तो हाइड्रोनियम आयन इसमें कम होंगे, फिर 7 वाले में उससे ज़्यादा होंगे, 10 वाले में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट कैसे करें अगर हमें नहीं पता कि किसमें कितना जो है ऐड किया हुआ है, तो टेस्ट करने का क्या तरीका हो, क्या मेथड हो, ठीक है। तो उसको हम टेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है यस, हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि दिया हुआ अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है, मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली बात है अगर आपने ज़्यादा अम्ल ऐड करा है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और जितना कम करेंगे वो उतना ही वीक होगा। हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो कई संकेतों का मिश्रण है। अब इसमें क्या, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जो हर जगह लागू होती है बात, उसको सार्वभौमिक बोलते हैं। भूमि के धरती के हर हिस्से पे लागू, चाहे वो कोई सा भी देश हो, कोई सी भी लेबोरेटरी हो, सभी पर एक यूनिवर्सल जो है हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं और वहाँ सभी पर सेम ही आंकने का तरीका होता है। तो कुछ ऐसे संकेतक यूज़ करें, संकेतक मतलब जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा जो है विलयन वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब मेन जो हमारा है कि सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता पर विभिन्न विभिन्न रंग दिखाता है। तो ये सूचक क्या है, ये एक पेपर होता है और अगर उसके ऊपर मैं अलग अलग लिक्विड विलयन की ड्रॉप्स ऐड करती हूँ तो ये अलग अलग रंग देगा, ठीक है। जैसे आप अगर सपोज विलयन 1 में से एक ड्रॉप लेते हैं ऐड करते हैं तो वो अलग रंग देगा, इस सेकंड वाले जो मेरा विलयन है इसमें अलग कलर देगा, थर्ड में अलग कलर देगा, ठीक है। और उन अलग अलग कलर से जो है फिर उसके बारे में कुछ सार्वभौमिक जो है संकेत निश्चित करे हुए हैं कि अगर ये वाला कलर है तो उसकी कितनी सांद्रता है और डिफरेंट कलर है तो उसकी कितनी सांद्रता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी की जो वीडियो है वो भी मैंने जो है अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर इसको हम PH पेपर भी बोल देते हैं, आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से जो है जाकर और चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, देखकर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस सूचक से हम सांद्रता को कैसे उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैं लिंक उसका ऐड कर दूँगी एक्टिविटी का,
और वहाँ से वो एक्टिविटी आप देखना, आपको और भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं क्लैरिफाई हो जाएंगी। फाइन, चलिए नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो ये करता है एच पॉजिटिव और एच थ्री ओ पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, जब कोई क्षार जल में अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है ओ एच नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है, आंसर नंबर टू। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, अम्ल को अनुकृत करते समय हमें क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना है, न कि जल को अम्ल में? तो इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, वही आपको लिखना है। हमें इसलिए अनुशासित किया जाता है क्योंकि अगर हम जल में अम्ल में जल को मिलाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और जो विलयन है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर की तरफ निकल सकता है और हमारे हाथ जो हैं उससे जल भी सकते हैं, या कांच जो है टेस्ट ट्यूब का वो टूट सकता है और ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी किसी भी हानि से बचने के लिए हमें हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो ये आंसर आपको नंबर थ्री का लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर चार, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अम्ल को अगर हम तनुकृत करेंगे, तनुकृत का मतलब अगर हम पानी में अम्ल को मिलाएंगे तो पानी तो हो गया ज़्यादा, अम्ल हो गया कम, तो जो H पॉजिटिव आयन है उसकी सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। जल में अम्ल और क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसीलिए आयन की सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का ही आंसर है, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं अपने क्वेश्चन, सॉरी ये थ्री का नहीं, ये फोर का आंसर है आपका, ठीक है, ये फोर का आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको परिभाषित का मतलब कि ये क्या होता है, तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर कि सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न विभिन्न रंग दिखाता है और हमें विलयन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता जानने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, नहीं आती है तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।